रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी इकोनॉमी की कमर तोड़ने के इरादे से पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन फिलहाल रूस भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ जारी प्रतिबंधों ने दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का रिस्क पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के जारी रहने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। पुतिन ने कहा कि इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। इससे पहले पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अगर पश्चिमी देश चाहें तो रूस को युद्ध क्षेत्र में हराने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, आज हम सुनते हैं कि वे हमें युद्ध क्षेत्र में हराना चाहते हैं। आप क्या कह सकते हैं, उन्हें कोशिश करने दें। उन्होंने कहा, सभी को पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर हमने अभी तक गंभीरता से कुछ भी शुरू नहीं किया है। पुतिन ने कहा, हम शांति वार्ता को भी अस्वीकार नहीं करते, लेकिन जो उसे अस्वीकार करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये सब जितना आगे बढ़ेगा उनके लिए हमारे साथ बातचीत करना उतना ही मुश्किल होगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध 4 महीनों से ज्यादा वक्त से जारी है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने G7 के नेताओं से अनुरोध किया था कि वे कुछ भी करके इस साल के अंत तक युद्ध खत्म कराने में मदद करें। जेलेंस्की ने कहा था कि सर्दियों में उनकी सेना के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे।